आप प्रातः शब्द का उच्चारण करो और अब महसूस करो कि कितनी ठंडक है इस शब्द में प्रातः। जब इस शब्द मात्र में इतनी ठंडक है तो विचार करो कि प्रातःकाल का दर्शन कितना सुखद होगा, कितना मनोहारी होगा। प्रातःकाल में सूर्यदेव अपनी किरणों को एक ओर समेटकर चुपचाप आराम कर रहे होते हैं, ऐसा सुखद मनोहारी वातावरण। हमारे सनातन धर्म में प्रातः उठते ही अपने हाथों की दोनों हथेलियों के दर्शन करने का विधान बताया गया है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल हो, इसलिए आपको सुबह जगते ही सर्वप्रथम अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए और ये दिव्य श्लोक बोलना चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ये सुंदर मंत्र का उच्चारण करके फिर आपको अपनी दोनों हथेलियों को परस्पर घर्षण करना चाहिए, परस्पर घर्षण करके फिर इस तरह से अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। ये हमारे यहाँ विधान बताया गया है। देखिए, हथेलियों का दर्शन करने के पीछे यही संदेश है कि हम प्रभु परमात्मा से हमारे कर्मों में पवित्रता हो, हमें शक्ति मिले, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम जगते ही अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करें, क्योंकि आप जानते हैं संसार का सारा वैभव, शिक्षा, पराक्रम सब हाथों के जरिए ही होता है और हमारे शास्त्रों में मान्यता भी है कि हमारे हाथों में मैया लक्ष्मी, मैया सरस्वती और साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए सर्वप्रथम उठते ही अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करें और उनको घर्षण करके फिर अपने चेहरे पर लगाएं। तत्पश्चात अपने इष्ट देव के चरणों में प्रणाम करें, परमात्मा के चरणों में प्रणाम करें, उसके बाद माता पिता और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। और आप जानते हैं ये शुभ कार्य तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी किया करते थे। हाँ, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। साक्षात प्रभु परमात्मा भी प्रातःकाल जगते ही माता पिता और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते थे। यह प्रभु श्री राम से हमें सीखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल हो, आपका दिन सफल हो, तो उसके लिए आपको एक सुंदर दिनचर्या बनानी पड़ेगी। जितनी सुंदर आपकी दिनचर्या होगी उतना ही सुंदर आपका दिन होगा। आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।